अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने गुज़िश्ता रात पेरिस में तारीख रकम कर दी जब उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान को किसी भी इनफरादी इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल दिलवा दिया। पाकिस्तान ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई भी मेडल अपने नाम किया और 40 साल बाद तलाई तमगा जो है वो जीता है। अरशद नदीम ने ना सिर्फ ये इवेंट अपने नाम किया बल्कि 92.97 मीटर जेवलिन फेंक कर नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। इस ओलंपिक के आगाज पर पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बहुत बात होती रही। पाकिस्तान का जो 7 रुकनी दस्ता गया तारीख में शायद पाकिस्तान की किसी भी ओलंपिक गेम्स में सबसे महदूद नुमाइंदगी है। इन गुजरे 76 सालों में पाकिस्तान अब तक सिर्फ 11 मेडल्स ही अपने नाम कर सका है जिनमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांस्य के तमगे शामिल हैं। पाकिस्तान की अगर ओलंपिक्स की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1948 में लंदन में होने वाले ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था और उसके बाद से लेकर अब तक हर गरमाई ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान के खिलाड़ी मुकाबला करने के लिए जाते हैं। मां सवाए इसके कि जब उन्होंने सोवियत यूनियन में होने वाले 1980 के जो ओलंपिक्स थे उनका अमरीकी क्यादत में बायकॉट किया था और अफगान जंग के बाद उसमें हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान को इनफरादी हैसियत में पहला जो ब्रॉन्ज मेडल था वो रोम ओलंपिक्स के जो 1960 में रेसलिंग के इवेंट में जो है वो मोहम्मद बशीर ने दिलवाया था और उससे पहले भी पाकिस्तान की टीम 1956 में सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई थी। और इसी तरह जो एक और इनफरादी मेडल पाकिस्तान को मिला वो 1988 में कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर हुसैन शाह ने मिडल वेट दर्जे में 3री पोजीशन के साथ पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान के ओलंपिक मेडल्स में से जो 8 मेडल्स हैं वो कौमी हॉकी टीम ने जीते हैं जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक में पोडियम पर कदम रखा जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नेदरलैंड्स को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 3री पोजीशन के मैच के बाद ये कांसी का तमगा जीता था। और पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1984 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक 1956 में जब हुए तो पाकिस्तान ने उस वक्त पहली मरतबा चांदी का तमगा जीता था और मेंस हॉकी में पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा था और फाइनल में भारत से शिकस्त खा गया था। इसके बाद 1960 की जो ओलंपिक्स हुई वहां पाकिस्तान ने मेंस हॉकी ओलंपिक्स में फाइनल तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली मर्तबा पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा इन ओलंपिक्स में हासिल किया। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने जो है वो भारतीय हॉकी टीम को 1-0 से शिकस्त देकर रोम ओलंपिक्स में ये सोने का तमगा जीता था। फिर इसी ओलंपिक्स में जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद बशीर ने फ्री स्टाइल रेसलिंग के मुकाबले में कांसी का तमगा हासिल किया। इस तरह से 1960 में 2 मेडल्स पाकिस्तान आए और ये शायद पाकिस्तान के ओलंपिक्स की तारीख की अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। इसके बाद 1964 जहां टोक्यो में ये ओलंपिक्स के मुकाबले हुए उस साल पाकिस्तान की हॉकी टीम ने चांदी का तमगा जीता। फाइनल में पाकिस्तान भारत से शिकस्त खा गया और रवायती हरीफ भारत से पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। भारत ने 1-0 से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स हुए, पाकिस्तान का मुकाबला जो था फाइनल में एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और पाकिस्तानी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 के मुकाबले जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जो है वो सोने का तमगा अपने नाम किया। 1972 में ओलंपिक्स मैच मुकाबले जो थे वो म्यूनिख में हुए और पाकिस्तान मेज़बान जर्मनी के साथ उसने फाइनल खेला और ये एक बड़ा मुतनाज़े फाइनल मैच था हॉकी का। पाकिस्तान की टीम की तरफ से अंपायर के फैसलों पर एतराज़ात किए गए, दरख्वास्त की गई कि वो फैसले को मुस्तरद कर दे। जब उन्होंने 60वें मिनट में एक गोल दे दिया था तो पाकिस्तान की हॉकी टीम यह मैच तो हार गई लेकिन एहतजाजन उन्होंने चांदी का तमगा जो है वो जब पोडियम पर गए सब लोग तो फिर उस वक्त उन्होंने जब जर्मनी का जो है वो तराना बजाया जा रहा था और झंडा ऊपर जा रहा था तो उन्होंने अपनी पोस्ट जर्मन झंडे की तरफ कर ली थी। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर 2-2 साल के लिए पाबंदियां भी लगी थी। 1976 के जो ओलंपिक्स थे वो मॉन्ट्रियल में हुए और पाकिस्तानी हॉकी टीम ने एक मरतबा फिर कांस्य का तमगा हासिल किया। लॉस एंजलिस में होने वाले जो 1984 के ओलंपिक्स मुकाबले थे वहां पर भी पाकिस्तान ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। यह आखिरी मरतबा था अब तक पाकिस्तान ने जब सोने का तमगा हॉकी के इवेंट में जीता और हॉकी के
फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी बॉक्सर ने जो हुसैन शाह थे उन्होंने मेंस मिडल वेट में कांसी का तमगा अपने नाम किया। बार्सिलोना में 1992 में ओलंपिक्स हुए और पाकिस्तान की हॉकी टीम ने नेदरलैंड को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था। अब पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसकी ये हालत है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए वो क्वालिफाई करने में भी नाकाम हो गई और 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाते मुसलसल तीसरी मरतबा जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने जो लास्ट ओलंपिक्स के लिए वो 2012 में लंदन ओलंपिक्स थी लेकिन उसके बाद पाकिस्तान इन मुकाबलों के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर सका। अब ये पहली बार है कि अरशद नदीम ने मुल्क के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल किया है और वो ओलंपिक्स की तारीख में इनफरादी मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले जबकि कोई भी मेडल जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम को अब से कुछ देर बाद जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। आज कौमी असेंबली ने भी अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने की करारदाद एक मुत्तफिका तौर पर मंजूर की है और अरशद नदीम को खराज तहसीन भी पेश किया है, मुबारकबाद दी है। अरशद नदीम ने साबित किया है कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती और मुबारकबादें हर तरफ से आ रही हैं। ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान में, ना सिर्फ ये अरशद नदीम की कामयाबी है बल्कि यकीनन ये जो फतह है वो और बहुत सारे जो है वो नौजवानों को जो है वो इस तरफ जो है वो लेकर आएगी और बदकिस्मती से क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स पर तवज्जो कम ही दी जाती है। लेकिन इस कामयाबी के बाद, इस गोल्ड मेडल के बाद ये बहस जरूर है कि क्या किया जा सकता है पाकिस्तान में इस टैलेंट को सामने लाने के लिए, क्योंकि यहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरे साथ फयाज अल हसन बुखारी साहब मौजूद हैं जो नदीम के कोच भी रहे हैं और अरशद नदीम ने काफी हिस्सा उनके साथ अपनी ट्रेनिंग का गुजारा है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फयाज अल हसन बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे फरमाइएगा थोड़ा सा अपने बारे में और अरशद नदीम का जो आपके साथ सफर रहा है उस हवाले से बताइएगा, कब अरशद आपके पास आया और फिर आप के साथ उनका जो कोचिंग का एक रिलेशनशिप था वो कैसा रहा? सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को मुबारक हो, सबको मुबारक हो सर, बहुत ज्यादा और बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि 2014 में मुझे अपने डिपार्टमेंट का कोच मुकर्रर किया गया, तो 2014 के एंड में आप कह लें या 2015 में ना 15 के स्टार्ट में हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे स्पोर्ट्समैन को रखने के लिए वापदा में। हेलो जी जी। तो हम लोग कर रहे थे सर वो। अच्छा। तो उसमें अरशद भी ट्रायल्स देने के लिए आया। हम अपनी टीमें बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट लेवल पे, अपने यूनिट लेवल पे, हमारी लेट्सको थी। तो ये हमें, इसने मुझे ट्रायल दिए थे, इसने उन ट्रायल्स में कुछ तकरीबन 54-55 के थ्रो की। तो मैंने इसको देखा, चूंकि ह्यूज था थोड़ा। अच्छा। और इसमें अदब था और इसमें आप कह लें कि एक चाह थी, ठीक है, कुछ करने की जो मुझे दिखी, और मैंने इसको ट्रेनिंग करवानी स्टार्ट कर दी। अच्छा। ट्रायल्स के बाद, हालांकि 54-55 पे हम लोग किसी को नहीं रखते, हमारा एक होता है 65-60 थ्रू से। अच्छा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो 65 तो, मीटर तक जो थ्रो फेंक सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। इसने, इसको मैंने ट्रेनिंग करवाई चंद दिन, आप कह लें 20 दिन 25 दिन या एक माह, तो इसने उस दौरान 66 मीटर थ्रो कर दी फाइनल ट्रायल में। अच्छा। तो हमने इसको रखा, तो उसके बाद हमारी इंटर यूनिट हो रही थी, ये हमारे लेस्को में आ गया, तो इसने इंटर यूनिट विन कर दी, 70 मीटर थ्रो कर दिया। तो इंटर यूनिट विन होने के बाद थोड़े दिनों के बाद नेशनल चैंपियनशिप की। अच्छा। नेशनल चैंपियनशिप हुई, इसने ये वापदा की तरफ से खेला है और ये नेशनल चैंपियन हो गया। अच्छा। अच्छा, तो ट्रिक ही है, 70+। लेकिन ये जो किसी भी एथलीट का सफर होता है कि जहां पर एक नेशनल लेवल से उसने इंटरनेशनल लेवल में जाना होता है, ये कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये फर्क पड़ा थोड़ा होता है। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये एक्चुअली काम जो होता है ना, ये कोच का काम होता है। कोच एजेंडा दे, कोच उस पर काम करे। कोच का काम सिर्फ ये नहीं है मेरे पास आ गया तो कोई मेरा गोल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, बस मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। अच्छा। ये कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने गोल सेट किया कि मैं इससे रिकॉर्ड करवाऊंगा,
और ये उन्हीं दिनों सैफ गेम्स के लिए सिलेक्शन हुई, ये जीता हुआ था। ये सैफ गेम्स के लिए इंडिया गया गुवाहाटी, इसने वहां पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड कर दिया और सैफ गेम्स में थर्ड हो गया। जब ये वापस आया तो मुझे जनसाई साहब की कॉल आई, इनका अच्छा। सबका फोन आया, ये भी भागा मेरे पास कि मुझे ट्रेनिंग दोबारा से करवाएं सर। तो हमने इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद में उस वक्त डीजी साहब थे अपना गंजेरा साहब, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर हमने वहां से आगाज किया ट्रेनिंग का, तो उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स ही आई थिंक सो, अच्छा वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए हम उधर रुके। उस वक्त हम 80 मीटर के करीब 78-79 पे थे। तो इसने वहां पे बाकू में वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में 76 प्लस थ्रो की, अच्छा तो 76 प्लस कर गए, हालांकि उससे पहले ये 78 प्लस कर चुका था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारा आगाज था। तो इसने वहां पे थ्रो की 76 प्लस और ये वहां पे आई थिंक सो सेकंड हुआ है, अच्छा थर्ड हुआ है जी। और उस वक्त भी वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में सिंगल मेडल इसी का ही था। तो जब ये वापस आया ना, तो हमने एक अहद किया कि यार हमने ओलंपिक में जाना है, मगर हम जाएंगे क्वालिफाई करके। अच्छा, हमने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई तो खैर हमने किया जाके 19 में। उसके बाद एक जगार्ता गेम्स हुई, एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स आपको पता है ओलंपिक के बाद उनका नाम है जी। ओलंपिक वहां पे जगार्ता में हमने 28 साल के बाद हम लोगों ने वहां पे मेडल निकाला, और अच्छा। वो भी मेडल इस अकेले का ही था। ठीक, बिल्कुल, ये 28 की बात, सही, सॉरी अपना 18 की बात, 28 साल के बाद। अच्छा, वहां पे अब हम आए ना, तो मैंने इसको बोला अर्शद एक चीज करते हैं, हमने क्वालिफाई करना है, ओलंपिक खेलनी है, पिछली ओलंपिक हमारे हाथ से निकल गई है, ये ओलंपिक हमने खेलनी है, हमने क्वालिफाई करके चलते हैं, ताकि हमें कोई रोक ही ना सके। ये पूरा पुरअज़म और जनाब नियत पाक, और है तो खैर नेक बच्चा ये सर, क्या बात है। अच्छा, इसमें नो डाउट सर। अच्छा, ये अदब और नेक इसमें एंड है। ठीक, अच्छा वहां पे हम इन्होंने उन दिनों यानी के दूसरे छोटे मोटे जितने कंपटीशन कुछ वर्ल्ड कुछ ये वो, हम इन्होंने भेज दिया हमें खटमंडू सैफ गेम्स। अच्छा। और क्वालिफिकेशन वहां पे उस वक्त डिस्टेंस था 85.50। अच्छा, हम लोगों ने वहां पे थ्रो कर दी 86.29। अच्छा। तो ये इसका सफर रहा, तो लेकिन इसमें यकीनन इसमें कोचेज की बड़ी मेहनत होती है, और कोचेज सर रीढ़ की हड्डी है, बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन जहरी बात है पाकिस्तान में इस टैलेंट को ढूंढना, इसको जहरी बात है प्रमोट करना, अगर ये बड़ा सर आपने है। अगर आपने अगर कुछ अचीव करना है ना, तो आपकी आपके उस्ताद और शागिर्द की सेम पेज पे हो, फिर अच्छा फिर ये हो सकते हैं। चले राइट, बहुत शुक्रिया फयाज खाली साहब, हमारे साथ मौजूद थे और वो अर्शद नदीम के कोच रहे हैं, बात कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त रशीद अहमद साकिब साहब भी मौजूद हैं, और उन्होंने भी जो है वो अर्शद नदीम की कोचिंग की है, उसके साथ रहे हैं वो। रशीद अहमद साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आप मुझे आप अपने बारे में बताइए, आपका अर्शद नदीम के साथ जो है वो ताल्लुक कैसा रहा, और अभी ये आपके पास कब आया था, और आपका जो कोचिंग का इसके साथ जो है वो सफर जो है वो कितना था? मैं अर्शद नदीम मेरे साथ जो तकरीबन मेरे पास 2011 से 2015 तक मेरे पास था। अच्छा, तो उस वक्त 2011 में उसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी, तो जब इसको मैंने मियां चन्नू में इवेंट करवाए थे एथलेटिक्स के स्कूलों के, तो उसमें इसने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया, जिसमें शॉर्ट पुट भी था, जेवलिन भी था, हर्डल भी थी, और लॉन्ग जंप वगैरह सब किए, मगर दो इवेंट में इसने गोल्ड किया था, जेवलिन और डिस्कस में, वो शॉर्ट पुट में। तो उसके बाद फिर ये मेरी कस्टडी में आ गया, मैंने देखा भी इसका कद भी लंबा है, इसके बाजू भी लंबे हैं। अच्छा, तो ये आलमी तक फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है अगर ये जेवलिन में आए। तो फिर अच्छा। इसको मैं जेवलिन में ले गया, और इसकी तकरीबन 4 साल तक इधर मियां चन्नू में ट्रेनिंग हुई, और मैं मेरी कस्टडी में रहा। उसके अच्छा। बाद फिर ये जब पंजाब विन किया, तो उसके बाद इधर लेक्सको में इसको भर्ती करवा दी।
अच्छा, मगर ये जब बच्चे आपके पास आते हैं तो इनमें से क्या वजह है कि कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह से अरशद नदीम का एक केस है, वो आगे चले जाते हैं और कुछ उस तरह से नहीं आगे जो है वो निकल सकते? आपके ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है? ये इसका मसला तो ये है ना, भी इधर सहूलियात ना काफी हैं, तो जो खिलाड़ी होते हैं ज्यादा ये गरीब घरानों के होते हैं खिलाड़ी, अच्छा, इनके लिए माशी मसाइल होते हैं जिस वजह से ये लड़के जो होते हैं जो खाने पीने की वजह अच्छा से, खुराक की वजह से पीछे रह जाते हैं। ठीक है। और इनको आपके ख्याल में किस तरह से आगे लाया जा सकता है? ये जो टैलेंट है, जाहिर बात है अब ये तो मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, इस जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो किस तरह से जो है वो उनको ढूंढा जा सकता है और आगे लाया जा सकता है? इसका तो जो है ना ग्रास ले रूट लेवल पे जो है ना इनको तलाश किया जाए स्कूलों में, जब लड़के की उम्र 13 साल और लड़की की उम्र 12 साल, इस उम्र से अगर कोई खिलाड़ी अगर ढूंढने वाले इनको देखें तो स्कूलों में ये मिल सकते हैं, तो इस उम्र में जो कोई लड़का अच्छा खिलाड़ी नजर आए तो उसकी ट्रेनिंग जो है उसके वालदैन का कद भी देखना चाहिए, तो उसके अच्छा वालदैन का कद कितना है, अच्छा बड़ा है कि छोटा है, उसके ठीक हिसाब से अपनी ठीक खिलाड़ी का चुनाव किया जाए। इसके लिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो खिलाड़ी है ना या हमारे अकाबरीन उनकी नजर होती है ये पाकिस्तान का मेडल हासिल करना उन्होंने या अच्छा इंडिया से मुकाबला करना, बस वर्ल्ड के मुकाबले के लिए उनके जहन में कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर वो वर्ल्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हाँ करें तो वो सारे वर्ल्ड में पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना नाम पैदा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपके वक्त का। अरशद नदीम की कामयाबी यकीनन हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इतने सालों बाद उसका मेडल लेकर आना यकीनन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, ना सिर्फ इन यंग एथलीट्स के लिए, इन कोचेस के लिए, हमारे जो स्पोर्ट्स के कर्तव्यता हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होनी भी चाहिए कि अगर ये हो सकता है और अभी हुआ है तो ये आगे भी हो सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया था। हुकूमत और रदलिया के माबैन तनाव की सूरत हाल ऐसा लगता है बदस्तूर बरकरार है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में कहा कि अदलिया ने एक जमात से इंतखाबी निशान लिया, फिर उसी अदलिया ने जो मांगा भी नहीं वो भी दे दिया, जबकि सीटें ऐसी दी गई जैसे कोई टॉफियां हों। उनका कहना था कि आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बरपा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यह भी कहना था कि एक इदारा बार बार पार्लियामान में मुदाखलत करता है। अदलिया की तारीख सबके सामने है और हमारी अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। अदलिया और हुकूमत के दरमियान ये मामला, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये जो अदलिया के साथ और खासतौर पर इलेक्शन तरमीमी बिल वाला मामला है, इसको किस तरह से देखती हैं? कमर जमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जमान कारा साहब। कारा साहब, ये जो तासुर बन रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है पार्लियामान और अदलिया के दरमियान और ये महाजराई हो रही है या होने जा रही है, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? और खास तौर पे 2002 से ऑनवर्ड, वैसे तो पहले भी ऐसे ही था, 2002 से ऑनवर्ड जब से खास तौर पे इफ्तखार चौधरी साहब की मूवमेंट चली, उसके बाद से अदलिया ने बहुत सारा इख्तियार अपने पास रख लिया है और एग्जीक्यूटिव को भी, और अब तो पार्लियामान के इख्तियार के ऊपर भी वो डायरेक्टली कदगने लगा देते हैं और वजीर आजमों को एक कमजोर से केसेस में घर भेज देते हैं। ये एक तासर है। और पार्लियामान ने जब 18वीं तरमीम की थी, 18वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया गया और उसके बाद 19वीं तरमीम आप जानते ही हैं कि एक कंप्रोमाइज तरमीम थी बिल्कुल वाज तौर पे, और उस वक्त एक दबाव था अदलिया की तरफ से। आज भी यही सूरत हाल है अदलिया के अंदर भी और अदलिया का बाकी मिनहसुल इदारा भी, और हमारे मुल्क के अंदर एक अमूमी सूरत हाल भी बन गई है, क्योंकि जब से आईनी हुक्मरानी कमजोर हुई या मावराए आईन हुक्मरानियां रहीं तो उसके नतीजे में खेचातानी बढ़ती चली गई। हमारे इदारे सिक्योरिटी एजेंसीज और अदलिया मिलके, फिर अलग अलग होके, फिर सियासी दो लोग अपनी जगह, मीडिया अपनी जगह, सब इकतदार को अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं,
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी खुद एंजॉय करना चाहते हैं, ये माजी में भी होता रहा, आज भी इससे ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से ये तासर पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा गहरा हो गया है और ये लड़ाई भी काफी वाजे हो रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ रहमान साहब कि हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि सियासी इदारों को मलून किया गया बहुत, उनको अंडरमाइन किया गया, वैसे सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है बड़ा अदब से, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जिस आईन की पैदावार है, जिस सोच की पैदावार है, वो सोच पार्लियामेंट से पैदा होती है। ये पार्लियामेंट है जिसने फैसला करना है कि हमारी आला अदलिया क्या होगी, हमारी एग्जीक्यूटिव क्या होगी, उसकी क्या नाम होंगे, एक की जगह एक नई आईनी अदालत बन सकती है तो वो बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकती है, इस आईन को अमेंड कर सकती है, इसकी जगह नया आईन ला सकती है, तर्ज हुक्मरानी बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में से कोई काम नहीं। कायर साहब, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून लाया गया है इलेक्शन तरमीमी एक्ट, ये बड़ा केस स्पेसिफिक है, एक अदालती फैसला है, उसके रद्दअमल में जो है वो ये बिल लाया गया, तो इस तासुर को आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये तनाजे की वजह नहीं है या इस वजह से तनाजा बढ़ेगा नहीं? मैं तो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं हूं, लेकिन ये बात जिस वक्त के लिहाज से हो रहा है तो ये बात तासर ऐसे नहीं है, इसमें सदाकत कितनी है ये अलग बात, लेकिन बिल्कुल ये तासर मजबूत है। अच्छा, अब देखा ये जाए कि इस बिल में क्या लाया गया है। इस बिल में तो मैंने सुना है कोई बड़ी तब्दीली की नहीं गई, बल्कि वही बिल पेश किया गया है जो पहले से कानून मौजूद है, उसी को एक बिल में साथ एक छोटी सी लाइन लगा के इस बिल को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये बिल बना दिया गया है। बुनियादी तौर पे अदालत को ये शायद मैसेज दिया गया है या देने की कोशिश की गई है कि जनाब आपने एक वाजे कानून को हटा के उसे आगे गए हैं, हम फिर उसको रिएट्रेट कर रहे हैं और मौसर बमाजी कर रहे हैं ताकि जो आपने फैसला किया वो मुनासिब नहीं है। और ये बात भी अदलिया को समझनी चाहिए, आपको मुझे भी समझनी चाहिए कि पार्लियामान का बहरहाल ये इख्तियार है। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को इस तरह उसके असर को खत्म किया या उसको तब्दील किया। अच्छा, पार्लियामान के अंदर वोट करा के ऐसा भी हुआ दुनिया में। लेकिन ठीक है, देखिए कारे साहब, आप पार्लियामान की और जो आईन के फंडामेंटल्स हैं उनकी आप बात करते हैं, लेकिन क्या आईन के फंडामेंटल्स में शामिल नहीं कि अदलिया ने चेक एंड बैलेंस भी रखना है पार्लियामान के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर? चेक एंड बैलेंस उसका काम नहीं है। अगर कोई केस उनके पास आता है या वो सुओ मोटो लेते हैं इस बुनियाद पे कि उनकी दानिश में वो मावराए आईन हुआ है, मावराए कानून हुआ है, तो उसके ऊपर वो उसकी वजाहत के लिए कर सकते हैं, वो चेक नहीं कर सकते। पार्लियामान का इख्तियार अनचेक्ड है। नहीं तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान के पास से लामहदूद इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की हर और कोई भी कानून साजी जो है वो कर सकती है? क्या पार्लियामान के ऊपर कोई कदगन नहीं है? पहली बात तो ये है कि एक है सकते है। क्या ये पार्लियामान का इख्तियार है? लेकिन क्या ऐसे कानून बनने चाहिए? आंसर इज नो। वो कानून जो हमारे माशरत, हमारे अखलाकियात, हमारे मुल्क की जरूरत, हमारी सियासत के मुताबिक नहीं है, वो नहीं बनने चाहिए। यूरोप, अमेरिका, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उनकी असेंबलियों ने, उनकी पार्लियामेंट्स ने ऐसे कानून बनाए हुए हैं और वो प्रैक्टिस हो रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं चल सकते। लेकिन एक बात हमारे अदलिया को भी ये देखना चाहिए, अदलिया जिस तरह के फैसले दे रही है क्या उस तरह के फैसले देने चाहिए? क्या हर मामले में, सियासी मामले में अदलिया को नोटिस लेना चाहिए? क्या हर मामला हम भी तो उठा के उनके पास ले जाते हैं ना, एक आसान बहाना बन गया है। और अदलिया बैठ के उसको टेकअप कर लेती है मामले, तो उसके नतीजे में ये एक तासर बहरहाल गहरा हो गया। अदलिया को भी रेस्ट्रेंट करने की जरूरत है, उनके पास भी अनचेक्ड इख्तियार नहीं है। देखिए, अभी आज जो बिलावल भुट्टो ने भी तकरीर की, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को बतौर हुकूमत की इत्तेहादी जमात एक बड़ा एतराज़ है कि अदलिया इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है। तो आपके ख्याल में ये जो इंतजामी मामलात के अंदर ये अगर कोई ऐसी मुदाखलत है तो फिर उसको किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से तमाम इदारे वापस अपनी अपनी हदूद के अंदर जो है वो जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सियासतदानों को, सियासी जमातों को बैठ के अपना फैसला करना होगा। दीगर इदारे जिसमें पार्लियामेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी है और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, आप मीडिया वाले भी, आप भी तो फोर्थ पिलर अपने आप को कहते हैं ना,
तो हम सबको बहरहाल देखने की जरूरत है, लेकिन उन तीन फॉर्मर पिलर्स को जो जिनको आईन पाबंद करता है उनको तो बहरहाल ये देखना है, उसमें पहल पार्लियामान है, शासनदारों ने करनी है, लेकिन साथ ही साथ अदलिया ने भी करना है। अदलिया भी बहुत सारे मामलात में बहुत दफा अपनी विकेट से बाहर निकल के खेली है, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ है वाजह तौर पर, उनको भी इतराक होना चाहिए। और इसका आगाज सियासत के अंदर सियासी डायलॉग से है। अगर हम पार्लियामान को और सियासत को डायलॉग के जरिए मुस्तहकम और मजबूत करते हैं, उसका कद बड़ा करते हैं, तो बाकी सारे इदारे उसकी सबॉर्डिनेशन में आ जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई से नहीं, अपने रोल को बेहतर करके हम कर सकते हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। भी एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जमात इस्लामी और हकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 14 रोज से जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में उनका कहना था कि हमने धरने से अपने अहदाफ हासिल किए हैं, जमात इस्लामी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए माहदा तय पा गया है। उनका यह कहना था कि हुकूमत के साथ माहदे के तहत जमात इस्लामी और हुकूमत की मुश्तरक कमेटी 30 दिन में बिजली के बिलों पर नजरसानी करेगी। तहम उन्होंने खबरदार किया कि धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं, हुकूमत ने माहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान हुए माहदे में यह कहा गया है कि रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा, बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा, IPPs के माहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी, टास्क फोर्स कायम होगी जो एक माह में काम मुकम्मल करेगी, कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। माहदे के मुताबिक टास्क फोर्स में वापडा के चेयरमैन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान FPCCI के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, के इलेक्ट्रिक का भी फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा और सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 CC तक महदूद किया जाएगा। इस माहदे में यह भी कहा गया है कि हुकूमत गजाई अशिया की कीमतों और टैक्स में भी कमी करेगी। अब जमात इस्लामी का यह माहदा जो है हुकूमत के साथ, जमात इस्लामी ने क्यों अपना धरना मौखर किया और फिर क्या वाकई इन जो नुकात हैं माहदे के, क्या जमात इस्लामी को लगता है कि इन पर अमल दरामद हो जाएगा? लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत बलोच साहब, हुकूमत पहले कह रही थी कि ये जो मुतालबात हैं ये हकीकत पसंदाना नहीं, इन पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अभी आपको क्या यकीन दहानी कराई गई है कि इन मुतालबात पर अमल दरामद हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, 14 दिन धरना रहा है और दूसरे दिन ही हुकूमत ने रब्ता किया था, फिर हमारे मुज़ाकरात के 5 राउंड हुए और इस पूरे मराहल में हर हर नुक्ते पे हर हर पहलू से बहुत तफसील के साथ बात हुई। वज़रा की टीम भी होती थी और उनके टेक्निकल अफराद भी होते थे, और इसी तरह जाहिर है कि हमारे तो 7 मुतालबात थे, लेकिन 4 या 5 ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस किया गया है, बाकी ऐसे हैं कि जिन पर अभी बात होना बाकी है। और लेकिन अभी जो तय पाया है वो तो IPPs के हवाले से है, तनख्वाहदार तबके के हवाले से है, बिजली के बिलों के हवाले से है, जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डर्स जो हैं कि उन पर इनकम टैक्स की आयद करने का मामला है, और ताजरों और एक्सपोर्टर्स पर जो नामुनासिब एक बोर्ड और अजाफी चीजें हैं उसके खात्मे की बात हुई है, और इन तमाम चीजों के लिए एक नया और मैकेनिज्म बन गया है। अच्छा। मैं बिल्कुल इसके वादे करना चाहता हूँ कि ये हुकूमतों का ना कभी एतमाद रहा है, ये बेएतमारी होती हैं और इनके किसी चीज पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन रात धरना मौखर किया गया उस तहरीरी माहदे के बाद, तो आज हम रावलपिंडी में किसी इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर एक बड़े जलसे में मौजूद हैं, और 11 को लाहौर में भी होगा, 12 को पिशावर। ये फरमाएगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब ये जो हुकूमत इन मुतालबात पर अमल दरामद करेगी, और दूसरा ये कि इस बात का इनसार किस बात पर होगा कि आप धरना फिर से लेकर आएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे? मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि भी हमने जब भी तारीख जो मुसलसल एक धरने का आगाज किया था 26 तारीख से, 14 दिन हमने धरना दिया है। हुकूमत ने रब्ता किया था कि हम ये अवामी मुतालबात पर बात करते हैं जी, और उस पर हमारे 5-6 राउंड हुए हैं, उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक तहरीरी माहिदा हुआ है,
और متعین جو ایشوز ہیں آئی سی پیز کے ہیں پنسادار طبقے کے ہیں تاجر اور ایکسپورٹرز کے ہیں اور لینڈ لارڈز کے ہیں اور جاگیرداروں کے ہیں بڑے لینڈ ہولڈنگز کے ہیں اور اسی طرح جو بجلی کے بلوں کو موخر کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں معاہدے کے اندر موجود ہیں لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی حکمران احتجاج کے سامنے ہمیشہ سرنڈر کرتے ہیں پھر معاہدے کرتے ہیں اور معاہدوں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ہم نے اسی بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات بھی کیے ہیں معاہدے بھی کیے ہیں اب اس معاہدے میں کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے ہم ان شاء اللہ مسلسل اس متعین مدت میں میدان میں رہیں گے سڑکوں میں رہیں گے شاہراہوں پر رہیں گے تاکہ حکمران اس طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے عوام تو بجلی کے بلوں میں کمی چاہتے ہیں عوام ریلیف چاہتے ہیں عوام اپنے مسائل اور مشکلات کا حل چاہتے ہیں ہمارے دھرنے کا اولین مقصد یہی تھا اور اسی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک تحریک انصاف جلسوں کی اجازت حاصل کرنے میں مصروف ہے اس حوالے سے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آج پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے پی ٹی آئی کو لاہور میں 14 اگست کو جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو جلسے کی جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی ہے سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ چہلم کی وجہ سے سیکیورٹی کی سخت صورتحال رہے گی پی ٹی آئی والے 26 اگست کے بعد درخواست دے دیں ہم جلسہ کرنے کی جگہ بتا دیں گے اس موقع پر جسٹس علی باقر نجفی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہیں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دی جائے جس پر ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے عدالت نے ڈی سی لاہور کو جلسے کی جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اب 16 اگست تک ملتوی کر دی اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے 13 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے ضلع انتظامیہ کو درخواست دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو عدالتی احکامات پر 13 اگست کو ترنول ایف 9 پارک یا G9 پشاور موڑ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی اور یہ اب تحریک انصاف نے جو ہے وہ 22 اگست کی تاریخ پر اتفاق بھی کر لیا شعیب شاہین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی کور کے رکن ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شعیب شاہین صاحب یہ جلسوں کی اجازت اور احتجاج والا معاملہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو احتجاج ہے وہ اس اجازت سے ہی مشروط ہوگا اور کیا یہ جو لاہور اور اسلام آباد کے جلسے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکیں گے دیکھیں انشاءاللہ جلسہ تو ہم نے حراز کرنا ہے اب یہ کینسل کریں سسپینڈ کریں پوسٹ پون کریں کچھ بھی کریں ہم نے 22 کا جلسہ اناؤنس کر دیا ہے جس کی اجازت کورٹ نے بھی دے دی ہے جس کی اجازت ڈی سی نے بھی دے دی ہے اسی دفعہ بھی 6 جون کو ہمارے 6 جولائی کو جلسے کی اجازت تھی جس کو آخری رات کا چیف کمشنر نے اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کو منسوخ کر دیا تھا اور ہم کورٹ میں گئے تھے کورٹ نے بڑا سخت اس پہ نوٹس بھی لیا ہے ایکشن بھی لیا ہے ان کو تاکید بھی کی ہے اور تنبیہ کی بھی کی ہے اب ہمارا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ ہم نے F9 پارک مانگا ہے یا میکسیمم سری نگر ہائی وے جہاں مولانا فضل الرحمان کو ہم نے 2 دفعہ دھرنے کی اجازت دی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے شک پریڈ گراؤنڈ دے دیں جو مختص کیا گیا تھا شروع میں پریڈ گراؤنڈ بھی مختص تھا جلسوں کے لیے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ ترنور کی ایک ایسی چھوٹی سی جگہ دے دی جو ایک پرائیویٹ پلیس ہے اور جس کو سسپینڈ کیا تھا یعنی کینسل کیا تھا ہمارا جلسہ اس گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ یہ جگہ چھوٹی ہے کراؤڈ آپ کا بڑا آئے گا اور روڈ بلاک ہو جائے گی نمبر 2 کہا تھا یہ پرائیویٹ پلیس ہے نمبر 3 کہا تھا کہ ان لوگوں کا اعتراض ہے اور جس بنیاد پر انہوں نے وہ جگہ کینسل کی تھی وہی بنیاد اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ باتیں کہیں تھیں لکھ کے نہیں تھیں تو آپ اسی جگہ پہ آپ پھر دینے جا رہے ہو تو یہ آپ کی بنیاد ہے اور جگہ واقعی بہت چھوٹی ہے ہمارا تو بہت بڑا جلسہ اور لاہور والا جلسہ بھی طے ہے یہ جو اب تو عدالت نے اب اس کی 16 تاریخ دے دی ہے سماعت کی ملتوی کر دی ہے جی 27 اگست کی طے ان کا ہو گئی ہے لیکن اب وہاں بھی جگہ کا تعین ہونا باقی ہے جگہ کا ڈسپیوٹ وہاں چل رہا ہے جس کے اوپر اب کورٹ نے فائنلائز کرنا ہے اسی کو لیکن اسلام آباد کا ایشو البتہ ابھی ہم نے آج میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی جس میں نوٹس ہو گئے ہیں وہ ابھی طے ہونا جو ہے وہ باقی ہے شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج کے پروگرام میزبان رحمان نظر کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد